अब बात करते हैं कि दुनिया में एक ओलंपिक्स ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा एक रेस्पेक्टफुल वर्ड माना जाता है, और हर कंट्री ये चाहता है कि मैं कराऊं ओलंपिक्स की खेल। ये आज से 20 साल पहले तो पॉसिबल था, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आज एक गेम कराने के लिए, चाहे वो आप विंटर स्पोर्ट्स कराइए चाहे आप वो समर स्पोर्ट्स कराइए, आपको मिनिमम 40-80 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ता है, जो कि आम कंट्रीज़ के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जो सिर्फ 30 कंट्रीज़ हैं, बड़े 30 कंट्रीज़ जो हैं, वो दुनिया की 90% दौलत को संभाल के बैठे हुए हैं। 193 कंट्रीज़ में से ओनली 30 कंट्रीज़ मोर देन 90% वेल्थ को संभाल के बैठे हुए हैं। एक दिन मैं आपको इसकी फिगर्स दूंगा कि जीडीपी जो है वो कितनी कितनी कहां पर है, और कैसे ये दुनिया में जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में छिड़ी हुई है कि हम स्टूडेंट अपने खिलाड़ियों को तो भेजेंगे, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेट है उसको हम नहीं भेजेंगे। यानी कि एक किस्म का उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा बायकॉट है डिप्लोमेटिकली, तो चलिए कर दीजिए आप बायकॉट। चाइना की स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओलंपिक्स आर नॉट मेंट फॉर द पॉलिटिशियंस और फॉर द डिप्लोमेट्स, इट इज़ मेंट फॉर द प्लेयर्स। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1980 में मास्को में जो गेम्स हुई थी वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो था वो बायकॉट किया था, और उससे जो प्लेयर्स जो 4-4 साल 8-8 साल मेहनत कर रहे थे उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आप ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो आपकी लाइफ बन जाती है। फिर 1984 में लॉस एंजलस में जो ओलंपिक्स हुआ उसको रशियन कंट्रीज़ ने मिलकर, जो उस वक्त रशिया बड़ा इन्फ्लुएंस था, ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, कम से कम 40-50 कंट्रियों ने मिलकर उसका बायकॉट कर दिया। तो वो जो 2-8 साल थे उसमें प्लेयर्स ने बहुत सफ़र किया। आई एम ग्लैड कि इस बार गवर्नमेंटों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट करने की कोशिश की है। हालांकि एक आवाज़ उठ रही थी कि नहीं, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, आपको प्लेयर्स भी नहीं भेजने चाहिए। तो वो एक डिप्लोमेट जो बायकॉट है, इसके बारे में एक मिश्रा साहब से पूछते हैं कि हिंदुस्तान में इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो ओलंपिक्स की गेम है जो इतनी महंगी हो गई है, जो आम कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, जी, ये बायकॉट जो है ये कितना काउंट करता है? मतलब आप, टू मी इट डजंट मैटर आप बायकॉट कर रहे हो, लेकिन आप बताइए इसके बारे में। डॉक्टर साहब, थोड़ा आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। आपने अभी एक चीज बोला था कि जो वेल्थ है लगभग 30 कंट्री के पास है, आपने बोला फिगर मैं कभी बताऊंगा, तो चलते चलते अगर आप इजाजत दे तो हम अपने दर्शकों को बाद में क्यों इंतजार करें, मैं 30 सेकंड में बता देता हूं फिगर क्या है। पूरे ग्लोबल जीडीपी अगर देखेंगे तो लगभग 90 या 95 ट्रिलियन का आप मान के चलिए, उसमें से 19 या फिगर में आप 20 ट्रिलियन यूएसए का मान लीजिए, 11 ट्रिलियन आप चाइना का मान लीजिए, 5 ट्रिलियन आपको जो लेटेस्ट फिगर है जो कल की मैं आपको फिगर देने लगा हूँ यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से, 24.1 ट्रिलियन यूएसए इस वक्त, 14.1 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त चाइना है। मैं आपकी माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि 92-93 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें जो 30 कंट्रीज हैं वो 90% कंट्रोल करते हैं, बाकी कितनी क्या रह गया? प्लीज कंटिन्यू। कुछ देखिए, हाँ वो इस पे भी हम कभी करेंगे डिबेट, लेकिन फिगर ऐसे ही है जो मेन है। आप जर्मनी फ्रांस वगैरह इन सबको मिला लीजिए तो वो इनके लगभग 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 बराबर होंगे, ऐसा गैप नहीं होगा, कोई 5 है तो कोई 30 है, इतना बड़ा गैप नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा ही गैप है। हाईएस्ट जो है यूएसए का जो आपने 24 बताया। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे थे कि ये जो डिप्लोमेटिक बायकॉट हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है भारत का। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है डेफिनेटली इस चीज को लेकर के, और अभी चाइना के साथ अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो चाइना के साथ हमारे बहुत सारे टर्मोइल हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे खेल के भावना से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इस चीज को तो हम लोग यहाँ पे बुरा मानते हैं कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप ये देखिए, ओलंपिक्स में
पॉलिटिक्स भी, कोई देश क्यों ओलंपिक करवाना चाहता है, इनकम हो या ना हो, हालांकि उसको मैनेज करने में खर्चे बहुत होते हैं तो इनकम भी बहुत होती है, नो डाउट। और ओलंपिक का जो इंटरनेशनल ओलंपिक ये है, आईओसी है, ये अपने आप में एक स्वच्छंद तरीके से एक फेडरेशन है जो लोगों ने मिलकर बनाया है, ना कि कोई सरकार या उस तरह की ये संस्था नहीं है। तो सवाल ये है कि इंडिया में लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन एक चीज और है, अगर मैं व्यक्तिगत बोलूं, मैं पूरे कंट्री का नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसके लिए जो है बाहर की कंट्रीज वगैरह जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए खुद चाइना है। और उसमें भी मैं आपको बताता हूं है क्या, बाहर की कंट्री ने बेस ये बनाया है, यूएस ने इसका इनिशिएटिव लिया, और आप जहां रहते हैं कनाडा भी उनके साथ आया, यूके भी उनके साथ आया, फ्रांस एक ऐसा देश है जो उनके साथ नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक उसको जो है ऑर्गेनाइज करवाना है शायद इस कारण से, और जापान भी अभी कंसीडर कर रहा है डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकार के तरफ से नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है। और यूएसए यूके वगैरह ने बेस क्या बनाया है, ह्यूमन राइट्स वगैरह को, कि उइगर मुसलमानों पे आप अत्याचार कर रहे हैं, हांगकांग पे जो यूथ वगैरह के प्रदर्शन हुए थे फ्रीडम के लिए या डेमोक्रेसी के लिए, आपने उसको कुचला, चाइना ने इसका बोला कि भाई आपको ये इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो कैसे चाइना मैनेज करेगा उसने कुछ डिटेल नहीं बताया है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या हो रहा है, मुद्दा ये हो रहा है कि भारत या हमारा देश तो ये चाहता है कि भाई जो एक परंपरा चल रही है चलती रहे, लेकिन ये चीजें यूएस और यूके वगैरह कर क्यों रहे हैं, देखिए ये भी पॉलिटिक्स और अपना दबदबा कायम करने का हो, दुनिया में कोई भी चीज कॉमनवेल्थ का गेम होता है, आप ये बताइए महारानी का, तो जब ओलंपिक हो रही है तो उससे बड़ा तो वो नहीं है, लेकिन क्या है, एक सांकेतिक ही सही, लेकिन वो इस चीज का द्योतक होता है, सिंबल होता है कि हम अभी भी महारानी है। जो कॉमनवेल्थ नेशन बनाया वो इसीलिए बनाया कि इनको आजाद कर देने के बाद हम महाराज बने रहे, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स और सुप्रेमेसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी सुप्रेमेसी को मेंटेन करने के लिए एक तरीका है प्रेशर में लाने के लिए। अब इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, प्रूफ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि बहुत पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था या कहीं सुना था, अमेरिका के राष्ट्रपति या कौन थे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला कि हम इसलिए फाइट नहीं कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करें, हम इसलिए फाइट कर रहे हैं ताकि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन सबसे बड़ा और माइक्रो लेवल का पैरामीटर होता है किसी कंट्री के जो है डेवलपमेंट का, उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा था, मैंने ये देखा था कि जितना अमेरिका का था भारत के एक पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन या अवेलेबिलिटी के कंपेरिजन में 30 गुना अमेरिका का था, फैक्टर्स उसमें बहुत सारे हैं। अब देखिए है क्या, आपने डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर दिया, एक ब्रांड इमेज उस कंट्री की इमेज तो जुड़ी रहती है, उससे वो प्रेशर में आएगा, आप फेल्योर होंगे, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने ही अपनी फैक्ट्रियां यहां से हटा के, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री के लोग अब लेबर गिरी नहीं करते हैं, वो उसको सब स्टैंडर्ड काम समझते हैं जो छोटा काम होता है लेबर और इन सब चीजों का, उन्होंने चाइना शिफ्ट किया, वो इसीलिए शिफ्ट किया कि उनकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहे। फिर धीरे धीरे चाइना की भी अपनी हिस्ट्री है, वार और क्लैशेस बहुत हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, वो बन गया भस्मासुर। भस्मासुर बनने का मतलब कि वेस्टर्न कंट्री, यूके, यूनाइटेड स्टेट को अगर कोई चैलेंज करेगा, गल्फ वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो बहुत छोटे छोटे देश है, कोई करेगा तो इंडिया और चाइना ही करेंगे क्योंकि ये पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज और स्किल, अगर फ्यूचर जो है वो हो सकता है तो कोई अपनी बादशाहत क्यों खोना चाहेगा, उसमें ये एक टैक्टिस है, आप इसको स्पोर्ट टैक्टिस बोल सकते हैं कि चाइना प्रेशर में आए, ये फेल्योर हो, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है बर्बाद होगी, इंटरनेशनल रेपुटेशन जब बर्बाद होती है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ट्रेड भी बहुत असर करता है, खेल के बहाने ट्रेड और नेशन की ब्रांड बिल्डिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। चाइना आखिर क्यों इतना इंटरेस्टेड हो गया है, एक कम्युनिस्ट देश है जो कि बहुत रिजर्व रहता है, अभी उसने ओलंपिक करवाया, ये करवाया, वो करवाया, कौन कौन से गेम कर रहा है, उसके थ्रू अपनी वो नेशन की ब्रांड इमेज बिल्डिंग करता है। यस वी आर ऑल्सो कैपेबल इन कंपेरिजन ऑफ यूएस यूके या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो दुनिया को बता रहा है, यूएस यूके को बता रहा है, आई एम एट पार इन टर्म ऑफ कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक टर्म्स। अब ये चीज बर्दाश्त कैसे हो, सबसे बड़ी बात ये है, उसके लिए बहाने बहुत सारे हो सकते हैं। मैं तो बोलता हूं कि अगर बाइकॉट करना था तो वो ये अच्छा बहाना ये था कि ये जो आपका वायरस चला हुआ है कोविड का बहाना लेके, लेकिन आई डोंट नो शायद अमेरिका के लोगों ने इस चीज को जो है इशू वहां पे नहीं बनाया, कनाडा के इस चीज को इशू ने। मजेदार बात आप देखिए, ट्रंप जब थे शायद 1-2 साल पहले की बात है, मैंने सुना था, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
उस वक्त अमेरिका खुद जो ह्यूमन राइट की काउंसिल है उससे निकल गया था, अभी कुछ साल पहले ही वो निकला हाँ जी, था, वो और हमारे वो बेस्ट हमारे जो ट्रंप साहब थे ना इनके, हाँ जी, वो ऐसे काम करते थे। नहीं, वो कोई भी हो, बात वो देखिए, वो ट्रंप साहब नहीं निकले थे ह्यूमन राइट काउंसिल वगैरह से, अमेरिका निकला था एज ए नहीं नेशन, नहीं और वो मतलब वो अमेरिका प्रेसिडेंट, उनके पास पावर है ना, उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ, उन्होंने वो पेरिस पेरिस जो कुछ क्लाइमेट है वहाँ से भी बाहर निकल गए जी। मतलब चलो इस किस्म की बातें तो होती, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, कि हिंदुस्तान की तरफ से मैंने कोई बयान नहीं सुना ये देखिए बैंक। मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब ये है कि एक गुट निरपेक्ष और ये चीजें दो चीजों के बीच में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फटी में टांग, ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो नहीं गया है कि हिंदुस्तान को ये टर्मोइल है, जिन लोगों के बीच में है वो अपना देखेंगे, अभी टाइम है, फरवरी में होना है, अभी तो न जाने क्या क्या चीजें होंगी, तो जो चीजें चल रही है ये प्रॉब्लम है आपका, कनाडा वगैरह इन सब का जो है, कनाडा अमेरिका वगैरह का है, तो चार पांच बड़ी बड़ी बड़े बड़े देश जो वहां पे लगे हुए हैं, तो उनको मैनेज करने दीजिए ना, जब जरूरत नहीं होगी तो हम नहीं देखेंगे, मैंने हम कहेंगे इतनी वैसे क्या जरूरत है। सॉरी, मैंने वैसे ही आपसे पूछा, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। वो बायकॉट, मैं तो ये समझता हूँ, बायकॉट करो ना करो, चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, गेम्स जो हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस। मिश्रा जी, आपका जितना भी धन्यवाद करूँ मैं, उतना ही अपने समझता हूँ कि भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आपकी जो डेप्थ है, मैं पिछले ना 2 दिन से ज़रा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए आज मेरा जो उतना मैं पार्टिसिपेट आपके साथ नहीं कर सका। तो आपका धन्यवाद प्रोग्राम में आने का, और मैं अपने जितने भी धन्यवाद डॉक्टर हमारे साहब, हमारे जितने भी दर्शक हैं,